खबर इतनी सी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन खबर यही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली से लड़ रहे हैं। अगर स्मृति ईरानी दोबारा अमेठी पे जीत हासिल करती हैं, तो ये रिकॉर्ड होगा कि कोई गैर कांग्रेसी सांसद लगातार दो बार यहां से जीते। चुनौती के लिए केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सामने स्मृति ईरानी जी हमारे साथ अमेठी में जुड़ रही हैं। स्मृति जी, नया मकान लेकिन सीट वही, लेकिन मकान कांग्रेस परेशान। एक्चुअली आपने कहा अगर हाँ। मैं जीत रही हूँ तो बड़ी विनम्रता के भाव के साथ कहना चाहती हूँ, अगर जीत नहीं रही होती तो यहाँ पर गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ रहा होता। तो गांधी परिवार ने आज यहाँ पर स्वयं नामांकन ना करके भाजपा की जीत की घोषणा कर दी है। लेकिन राहुल गांधी, आपको क्या लगता है क्यों नहीं लड़े? वो उनकी स्ट्रैटेजी है रायबरेली, शायद क्योंकि वो फिरोज गांधी, फिर इंदिरा गांधी के लिए जानती है। राजनीति में सबकी ये होड़ रहती है, ये प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीते। कोई भी ऐसा आज तक दुर्लभ दृश्य भी नहीं, आज तक ये असंभव रहा है कि किसी भी सीट पर अगर जीतने का विश्वास हो तो वो सीट कोई छोड़ दे। और विशेषता ये सीट जो 5 दशकों से गांधी परिवार का तथाकथित गढ़ रहा है, उसको छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी। और आज उनका अमेठी छोड़ देना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि अमेठी से जीतना नामुमकिन है। लेकिन केएल शर्मा वो कह रहे हैं कि 30-40 साल, 1983 में वो राजीव गांधी के साथ आए थे, तब से गांधी फैमिली के लिए पूरा मैनेज करे। वो कह रहे हैं कि वो एक बड़े कंटेस्टेंट रहेंगे और वो आपको हरा देंगे इस बार। आप 4 जून को देख लीजिएगा, एकदम जनता जनता पर आपको भरोसा है क्या? दोबारा कनेक्ट, अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती कि कांग्रेस पार्टी जीते तो वो किसी और को अपने प्रॉक्सी को यहाँ पर कैंडिडेट नहीं बनाते। प्रॉक्सी आपने कहा, और मेरा अगला प्रश्न वही है कि क्या केएल शर्मा प्रॉक्सी? क्या आपकी लड़ाई सीधे, मान रहे हैं लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी से आपकी लड़ाई, वो बिहाइंड द सीन्स वो मैनेज कर रही हैं सब? देखिए, जो लोग काफी मोहित हैं उनसे, उनको बड़ी मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास उत्तर प्रदेश का बतला दूं। 2022 के विधानसभा के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी और नेतृत्व श्रीमती वाड्रा का था। तब विशेषता वो चाह रही थी कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस भी दर्ज करे। यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 4 में उनकी जमानत जब्त हुई और 5वें पर भी वो हारी। तो वो अमेठी को और अमेठी उनको आजमा चुका है। राहुल गांधी पर आपकी फेवरेट लाइन क्या होती है जब आप लोगों के बीच में जाती हैं? क्या उनके बारे में बोलती हैं गांधी फैमिली? 5 वर्ष यहाँ पर काम किया एक सांसद के नाते, जिसमें से 2 वर्ष कोरोना के रहे, और जनता आज खुद ही कंपेयर करती है। आप जहाँ पर उपस्थित हैं आज, ये हमारा हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है पूरी जनपद का, यहाँ पर एक खाद की रैक तक नहीं उतरी थी स्वतंत्र भारत के इतिहास में। वो खाद की रैक भी किसानों के लिए पहली बार तब उतरी जब मैंने मोदी सरकार में आग्रह किया। ये क्षेत्र किसान की दृष्टि से तब का जो अगर दृश्य आपको बतलाऊं, रात को ही किसान खाद की दुकान के सामने लाइन लगा लेता था कि उनको कहीं ना कहीं नंबर लगेगा तो खाद मिलेगी। सुबह 1 घंटे में शटर खुलने के बाद खाद खत्म हो जाती थी। और जब राहुल जी यहाँ पर सांसद थे तो फिर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता था। इसी क्षेत्र में राहुल जी के आदेश पर कार्यकर्ताओं ने मिलकर बिजली यहाँ मिले उसका आंदोलन किया था। और ये तब जब राहुल जी की सरकार देश में थी और अखिलेश जी की सरकार प्रदेश में थी। आप चाहती थी कि राहुल जी लड़े चुनाव यहाँ से? मेरे चाहने ना चाहने से ब्रह्मांड नहीं चलता। मैं इतना चाहती थी कि एक सांसद के नाते मैंने 5 वर्ष काम किए तो मेरी पार्टी मेरे प्रत्याशी बनाकर मेरे उस काम का एक बार लेखा जोखा लेकर मुझे पुनः सेवा का मौका दे। तो मेरी पार्टी ने मुझे पुनः यहाँ प्रत्याशी बनाया, मेरे लिए वही गौरव की अनुभूति करने वाला विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यही अमेठी वाले कॉन्टेक्स्ट में कहा कि भागो मत, डरो मत। तो कौन भाग रहा है, कौन डर रहा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस के मुख्य बिंदु है उनकी राजनीति के, उनके परिवार के माध्यम से वही आधारशिला है पूरी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन 2019 में जब हमने उनको हराया तब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हारा नहीं था। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता ने। आज भी गांधी परिवार का यहाँ से ना लड़ना, भाजपा का प्रत्याशी कौन है?
पुनः भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता है, तो पूरे परिवार में जो कांग्रेस पार्टी का मुख्य केंद्र बिंदु है उसमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला अथवा कोई उनका ऐसा जुझारू नेता उनको नहीं मिला जो अमेठी से चुनाव लड़ ले। उत्तर प्रदेश में तो वो कयास लगाते उनके कई नेता हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज इस भूमि से दो इतिहास रचे गए। एक, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हारने की घोषणा हो जाए। ये चुनाव हारने की घोषणा है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा जीत की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो ये सीट नहीं छोड़ती।